हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रवा इडली बनाने जा रही हूँ। अगर आपको इडली खाने का मन करे और आपने चावल दाल नहीं भिगोया है तो आप मेरे इस रवा इडली को ट्राई कर सकते हैं। ये बनाने में भी काफी आसान है और झटपट में बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे कभी भी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में बनाकर खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। तो चलिए रवा इडली बनाना स्टार्ट करते हैं। रवा इडली बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी 2 कप या 400 ग्राम, दही 1.5 कप या 300 ग्राम, नमक स्वादानुसार या 1/2 टेबल स्पून, इनो फ्रूट सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून, ऑयल इडली प्लेट को ग्रीस करने के लिए, वाटर बैटर बनाने के लिए। अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें अपनी 2 कप रवा को डालेंगे। अब इसमें दही डालेंगे। दही और सूजी को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लंप्स ना रहे। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे एक बैटर बनाना है। ध्यान रहे कि हमारा बैटर ना ज्यादा पतला हो और ना ज्यादा अधिक मोटा। हमें इसे मीडियम कंसिस्टेंसी में एक बैटर बनाना है। बैटर बनकर तैयार है और हमें इस बैटर को बनाने में लगभग 200 ml वाटर लगा है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बैटर रेडी है। अब हम इसे ढक देंगे और 15 से 20 मिनट तक इसे रेस्ट करने देंगे। ऐसा करने से हमारी इडली सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनेगी और इडली बैटर फर्मेंट भी हो जाएगा। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोलकर देखेंगे। हमारा बैटर अच्छी तरह से सूजी फूल चुकी है। अब हम इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा सा वाटर इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसे 1 से 2 बार हमें मिक्स करना है। ज्यादा मिक्स ना करें, नहीं तो हमारी इडली स्पॉन्जी और सॉफ्ट नहीं बनेगी। इडली प्लेट को अच्छी तरह ऑयल लगाकर ग्रीस कर लें। अपना बैटर डालेंगे इडली स्टैंड पे। इसी तरह से आप बाकी के भी इडली स्टैंड को भरकर तैयार कर लें। गैस ऑन करके इडली स्टैंड चढ़ाएं और उसमें पानी डालें और उसे ढककर भाप बनने दें। पानी गर्म हो चुका है और अब हम इसमें अपने जो इडली स्टैंड में बैटर भर के रखा है हमें उसे डाल देंगे और इसे ढक देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 10 से 15 मिनट तक पकाना है। 15 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन खोल के देखेंगे। आप देख सकते हैं हमारी इडली बिल्कुल फूलकर तैयार है। आप एक चाकू के हेल्प से इसे बीच में भोंक कर देखें। देख सकते हैं चाकू में बैटर बिल्कुल नहीं चिपका है। इसका मतलब है कि रवा इडली बनकर तैयार है। इडली स्टैंड को बाहर निकालें और 5 मिनट ठंडा होने दें। देखिए, मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ। हमारी इडलियाँ बहुत अच्छी फूली है, सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। इडली ठंडी हो चुकी है और अब हम इसे एक चाकू के हेल्प से निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। मैंने सारे रवा इडली को प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं आपको एक इडली दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है अंदर से और स्पॉन्जी है। रवा इडली को मैंने मूंगफली और चना दाल की चटनी और सांबर के साथ सर्व किया है। आप इसे अपने मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। चना दाल और मूंगफली की चटनी की रेसिपी देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें।